ये बेस वेरिएंट है सीएनजी वैगनआर का, तो यहाँ से आप जो है फ्यूल बदल सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, पेट्रोल पे करना है पेट्रोल और सीएनजी पे करना है सीएनजी पे, और आप ऐसे करके इसे फोल्ड करके सामान रखने की जगह बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और आप सुनते रहते हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए, मारुति ने पहली सीएनजी कार कौन सी थी जो लॉन्च की थी और कब लॉन्च की थी? कमेंट में इंतजार करूंगा। और मेरे साथ अभी वैगनआर सीएनजी का बेस वेरिएंट यानी कि एलएक्सआई खड़ा है, और आपको बताने जा रहा हूं कि 2022 वैगनआर सीएनजी में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं जब आप इसका बेस वेरिएंट खरीदते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको सब कुछ बताता हूं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड में इस वैगनआर सीएनजी के बारे में। ये है इस वैगनआर की कुंजी यानी कि चाबी, और इसमें आपको कुछ रिमोट नहीं मिलता है, एलएक्सआई है, और आप सीएनजी खरीदते हैं पैसा बचाने के लिए, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग समझ में आता है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो एक बढ़िया सा हेडलैम्प मिल रहा है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ ही आपको मिलता है। फॉग लैम्प में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खाली जगह मिल जाती है। और ये ग्रिल आपको वैगनआर में आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ वो मिल जाता है। और ये इसका नीचे से अगर आप ये देखेंगे, ये वाला अंदाज आपको अच्छा लगने वाला है, और शुरू से मुझे काफ़ी पसंद रहा है। वैगनआर को मैंने सबसे पहले जब इसको फेसलिफ्ट दिया था, बड़ा फेसलिफ्ट मिला था, तभी मैंने इसका वीडियो बनाया था, और मुझे अब अच्छा लगा कि चलो आप लोगों के डिमांड पर इस वीडियो को किया जाता है। तो सामने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको छोटा सा ये देखिए बोनेट एरिया मिलता है, और एक हल्की सी लाइन भी समझ में आने वाली है। अब क्या करता हूँ, साइड में आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि सामने तो और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। एंटीना यहाँ मिलता है, ये भी देख लीजिए। तो आइए आपको साइड में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस वैगनआर सीएनजी में मिलने वाली हैं। तो साइड से बात करें तो आपको बता दूं, क्योंकि एलएक्सआई है तो यहाँ पर आपको नॉर्मल डोर हैंडल मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं है, चाबी से खोलना पड़ता है, लॉक अनलॉक ऐसे होने वाला है। तो अभी लॉक हो गया, अनलॉक करना पड़ेगा, तो इसी से फिर आपको चाबी से करना पड़ेगा। एक हो गया, सबको पता है फिर भी दिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो कि आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है, ये वाले आरबीएम मिल जाते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो इसमें मत जाइएगा, एसेसरीज के तौर पे आपको लगवाना पड़ेगा। और साइड में और सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं मिलती, मतलब ये आपको प्लेन गाड़ी मिलती है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है सीएनजी वैगनआर का। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको जो टायर प्रोफाइल मिल रहा है ये आपको बताते हैं 155/80R13 का आपको ये टायर प्रोफाइल यहाँ पे मिलता है, और ये स्टील व्हील मिल जाता है आपको। और ग्राउंड क्लियरेंस तो आप सबको पता है ऑलरेडी आपने, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें। अब आपको रियर में दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वहीं पर आपको सिलेंडर भी मिलेगा। और ये रहा इस वैगनआर सीएनजी का रियर, रियर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये आपको टेल लैंप मिल जाता है पूरा का पूरा, और इस तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में मिला के अगर देखेंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन डिफॉगर होता तो अच्छा रहता। स्टॉप माउंट लैंप भी थोड़ा एकदम अनोखे किस्म का यहाँ पर आपको मिलता है, सीएनजी की बैजिंग मिल जाएगी, और वैगनआर एक क्रोम की पट्टी पर लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और एक दो पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिलते हैं। और इसके बाद में अब कुछ नहीं करना है, मुझे ये खोल देना है बूट, और आपको अगर खोलोगे तो यहाँ से ये इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा, बेसिक है। और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, और ये रहा आपका सिलेंडर, 34 किलोमीटर तक जाती है एक किलो सीएनजी में, ये कंपनी दावा करती है। क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती है ये दिखा देता हूँ, या अगर आग वगैरह लग जाती है तो यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, जिसे आप आग वगैरह बुझा सकते हैं, ये भी आपको इसके किट के साथ ही मिलता है। और बाकी चीज़ें आपको जो किट में मिलती है देख ही सकते हैं, अगर पंचर वगैरह हो जाए तो आप बदल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके किट में आपको मिल जाएगी। और बूट में जगह नहीं मिलने वाली है, फिर भी अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है एलएक्सआई में, तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। बट पैकेजिंग वगैरह आप देखेंगे तो थोड़ी जगह और यहाँ पर ऐसे बनाई गई होती, लेकिन आप कुछ रख नहीं पाते, सॉरी, ये सिर्फ मुझे ही सोचना पड़ेगा, और आप ना इस पर दिमाग लाएँ तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मैं इस वैगनआर सीएनजी के इस रियर सीट पर आ गया हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलता है, और इसीलिए गाड़ी जानी जाती है। आप हाथ से यहाँ पकड़ सकते हैं, हैंडल वगैरह दे दिया गया है, लेकिन बाकी आपको ऐसे मैनुअली ऑपरेट करना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। और पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह मिल जाती है। अगर लेग रूम की बात करेंगे तो मुझे लेग रूम तो ठीक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर थाई सपोर्ट थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छा रहता, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस बजट में आपको ये गाड़ी मिल रही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, नॉर्मल सीट मिल जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं अगर दो लोग ट्रैवल करने वाले हों तो। इस सीएनजी में भी आपको जगह मिल जाएगी सामान रखने की, कैसे दिखा दूँ, चलिए दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आपको दोनों साइड में मिल जाता है, और आप ऐसे करके इसे फोल्ड करके सामान रखने की जगह बना सकते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब मैं सीधे आपको फ्रंट सीट पर लेके चलता हूँ।
तो अब मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं, टच स्क्रीन भूल जाइएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, लेकिन यूटिलिटी स्पेसेस के लिए काफ़ी जगह, यहाँ पर पर्स रख लीजिए, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, देखिए यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, और ये पूरी एसी यूनिट, मतलब आप चलाएंगे तो अच्छे से, मतलब ये अच्छा लगता है मुझे पैकेज में जिस तरीके से दिया गया है, और ये पुराने अंदाज वाला यहाँ पर आपको अभी भी कंपनी ने इसमें जारी रखा हुआ है, दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ये गियर बॉक्स मिलता है, 5 स्पीड है, तो कभी ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा की जाएगी, यहाँ पर बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और साथ ही क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको, 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक इधर, और ये रहा इसका ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, काफ़ी कुछ सामान रखने की इसमें जगह मिल जाती है, दरवाजे पर भी पानी रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस साइड में पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं 2, और यहीं से गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, और स्टीयरिंग व्हील को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये फिक्स है, तो जहाँ पर रहेगा यहीं पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है वो भी दिखा देता हूँ, और कुछ चीज़ें और आपको दिखाता हूँ, तो अदृश्य हो जाता हूँ मैं इसमें से, और आपको सीधे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको लेके आ जाता हूँ, तो जब इसे ऑन करेंगे तो देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, तो इसमें CNG जो है पूरा फुल है, और इस तरफ पेट्रोल का पूरा ऑप्शन आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत नॉर्मल, मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी स्पीड पे चल रही वो दिख जाएगा, और यहाँ से आप पूरा ओडोमीटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं, और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ जो बदलाव किया गया है इसमें ड्यूअल BVT पेट्रोल इंजन डाल दिया गया है, यानी कि वही CNG पे काम करता है, बस यही एक बड़ा बदलाव है, और ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर आपको अच्छी लगने वाली हैं। डैशबोर्ड का जो एरिया है ये भी आपको अच्छा लगेगा, टच एंड फील ठीक है, ये गाड़ी किसी को जाने वाली है ना, तो यहाँ पर गणेश भगवान उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको लाइट नॉर्मल मिल जाती है हैलोजन बल्ब के साथ में, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है सनवाइजर पर, और यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है सनवाइजर पर, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर कुल मिलाकर आपको अच्छी लगने वाली हैं, और ये क्योंकि कंपनी फिटेड CNG है, तो यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये जो बटन दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है फ्यूल बदल सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, पेट्रोल पे करना है पेट्रोल, और CNG पे करना है CNG पे कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, और पावर विंडो के 2 बटन मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो आइए दिखा देते हैं इसका इंजन, CNG के साथ में चलता है तो 55 BHP की शक्ति देता है, और 82 Nm का टॉर्क निकलता है, अभी लगाएंगे कहाँ से, इधर रहा, तो यार ढूंढ लीजिएगा इसे, यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये कुछ पैकेजिंग आपको इस तरह से मिलने वाली है, और ये आपको ड्यूअल BVT इंजन मिलता है, और ये 1 लीटर है, और ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं मारुति की जैसी पैकेजिंग ऑलरेडी आपको मिलती रही है, कुछ इसी तरीके की आपको पैकेजिंग यहाँ पर मिल जाती है, इंसुलेशन प्लेट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है, तो बचाइए पैसा, खरीदिए इस CNG को, मुझे लगता है अगर आप सबसे बढ़िया डील पाना चाहते हैं मारुति कारों पर तो क्या करिएगा, वो देखिए पीछे लिखा हुआ है मोटर क्राफ्ट, तो मोटर क्राफ्ट पर आ जाइएगा, वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास में है, आपको बढ़िया डील मिल जाएगी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो अभी बताइएगा कमेंट करके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर भी कुछ और देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, जो भी पूछेंगे उसका जवाब आप तक पहुँच जाएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।